तुम जिनके लिए लड़ रहे हो ना, उनके लिए तू सिर्फ एक पालतू जानवर है। अपने बच्चे के सामने जिन्हों को कितना बुरा भला कहती रही, क्या बीती होगी उसके दिल पर। या अल्लाह, अपने बेटे को गम देने से पहले मेरी ज़बान कटकर गिर क्यों नहीं गई। हम जब जिन पकड़ में जाते थे तो क्या बीतती होगी उसके दिल पर। अंदर से टूट जाता होगा मेरा बच्चा। अनजाने में कितनी तकलीफ दी मैंने उसे। जिनों को पकड़ने के लिए मुहिम शुरू की, सब जगह आईने लगवा दी, और फिर भी अपनी अम्मी को अकेला देखकर मेरे साथ बाहर चला गया। चीनू ने तो अच्छा बेटा बनकर दिखा दिया, मैं ही अच्छी अम्मी नहीं बन सकी। गंदे और प्यारे का दुनिया में सबका साथी है, बस मैं ही एक अकेला जिसे हम भी गले नहीं लगाती है, भी गले नहीं लगाती है। अम्मी भी गले नहीं लगाती है, अम्मी भी गले नहीं लगाती, अम्मी भी गले नहीं लगाती। अपने से ताकतवर को ताकत से नहीं दिमाग से काबू किया जाता है। छोटे भाई, मंजिल वही है, बस रास्ता अलग है।
देवी। ऐसा मत कहिए अम्मी। अलादीन, अलादीन, मैं तो इस बात से नाराज थी कि चीरू ने मुझसे सच छुपाया। कहीं उसने मेरी नाराजगी को नफरत ना समझ लिया हो, कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले जल्दबाजी में। तू जाकर चीरू को वापस लेकर आ, मेरे बेटे को वापस ला अलादीन। पर अम्मी वो गया कहाँ? मुझे नहीं पता अलादीन। जब सब लोगों ने दरवाजे पर ठक ठक की तो सर दरवाजा खोलो। सर बहन दरवाजा खोलो। सर हमें अंदर आने दो, दरवाजा खोलो। तू चला जा यहाँ से। देवी मुझे कुछ से अलग मत करिए। तू यहाँ नहीं रुक सकता, चला जा। जा मैंने कहा। या अल्लाह अलादीन, कहीं चीनू को ऐसा तो नहीं लगा होगा कि मैंने उसे घर से निकाल दिया। मैं तो उसे जाने के लिए सिर्फ इसलिए कह रही थी कि अगर लोग उसे जिन के रूप में देख लेते तो उसे मार डालते। मैंने जो कुछ किया सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए किया। वादा करता हूँ अम्मी, चीनू कहीं पे भी होगा मैं उसे लेकर आऊंगा। अलादीन, पर तो चीनू को ढूंढेगा कहाँ? चिराग में। चिराग में? चीनू का घर चिराग। मैं जब चिराग को घिसूंगा तो चीनू कहीं पे भी होगा, उसे आना पड़ेगा, उसे आना पड़ेगा, वो आएगा। शुक्र है शैतान का, छोटे भाई का आका मेरे आका से ज्यादा बेवकूफ नहीं है। वल्ला वल्ला बीबी, छा गई गरीबी। ये कौन मुझे खींच रहा है? ये क्या हो रहा है? लौट आओ मेरे भाई, लौट आओ। लगता है आका अलादीन नाम तो सुना होगा, मुझे बुला रहे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद वो मुझे क्यों बुला रहे? चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। लौट आओ जीनू, लौट आओ मेरे भाई। ये अच्छा, जब मर्जी आए कुछ भी कह दो, घर से बाहर निकाल दो और अकेला कर दो, और जब मर्जी हो तो बुला लो। लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। फिर चाहे भाई का अंगूठा खिंच जाए, चला घिसते घिसते, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मेरा इतना कम संचिस में इसीलिए खींचा जा रहा है। काश मैंने थोड़े समोसे और खाए होते। चीनू लौट आओ, मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा, एक मौका और दे दो, लौट आओ। लौटा छोटे, लौटा। वल्ला वल्ला बीबी, जा गई गरीबी।
जिन खुश हुआ अब मैं अपनी मंजिल से सिर्फ एक कदम दूर हूँ। चिनू, चिनू नहीं चिन, आपका गुलाम। क्या हुक्म है मेरे आका? चिनू, ये तुम क्या कह रहे हो? चिनू, मैं तुम्हारा भाई हूं। भाई? वाह, बड़ी जल्दी याद आई आपको अपने इस भाई की। मुझे तो लगा था आपको बड़ी फिक्र होगी अपनी उस शहजादी की। मैं सच कह रहा हूं जी। सच? नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम झूठ बोलते हो। यहां भाई का दिल टूटे, उसे कुछ हो जाए, लेकिन तुम्हें फिक्र नहीं है। तुम झूठे हो। जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम रेगिस्तान में उस्ताद जी को साथ ले जाओ, तो तुमने मुझसे कहा था कि नहीं नहीं, उस्ताद जी तुम्हारी तैयारी कराएंगे और तुम प्यारी परेशानी जी के साथ जाओगे। कहा था ना? कहा था, लेकिन तुम गए शहजादी के साथ। झूठे! तुम्हें शहजादी मुझसे ज्यादा प्यारी है। उसकी मीठी मीठी बातें ज्यादा प्यारी है। अगर ऐसे ही था तो मुझे बता देते, मैं भी शहजादी की तरह अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करता। अलादीन, क्या चेहरा है तुम्हारा, क्या आंखें हैं तुम्हारी। तुम जब बंदर की तरह इधर उधर गुलाटी मारते हो तो मेरा दिल यही सुनना था ना तुम्हें? ये सुनने के लिए तुमने अपने भाई को छोड़ दिया और शहजादी के पास चले गए। यहाँ पूरा शहर मुझे पकड़ने के लिए, मुझे मारने के लिए घूम रहा था। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और तुम शहजादी के साथ मसरूफ थे। जिनू, मैं जानता हूं मैंने गलतियां की, लेकिन मैं वादा करता हूं जिनू। वादा नहीं, झूठे लोगों का वादा भी झूठा। ये ले मेरा अंगूठा। इंसान वादा करना तो जानते हैं, लेकिन निभाना नहीं जानते। जिनू, ऐसा नहीं है मेरे भाई। शाबाश छोटे, शाबाश। दिखा दे इन इंसानों को इनकी औकात। वक्त लगा मगर मेरी चाल कामयाब हो गई। दोनों भाइयों के बीच में दरार पड़ गई। चिनू, चिनू तू आ गया। तेरे बिन एक एक पल कितना भारी लग रहा था। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा लौट आया। मैं आपका बेटा नहीं। तबाही फैलाने वाला जिन, झूठ बोलने वाला जिन, दिल तोड़ने वाला जिन, जिसे आपने घर से निकाला। अपने दिल से निकाला। नहीं जिनू, मैंने तुझे घर से नहीं निकाला। मैं जानती हूं तू तबाही नहीं फैलाता, तू बुरा जिन नहीं है। मैंने तो तुझे जाने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि ये घर मेरा अपना नहीं है और आप मेरी अम्मी नहीं है। जानता हूं
सभी ने कहा था ना, सब जिन बुरे होते मैं भी बुरा हूं। तब समझ के भाई मुझे आका, आप मुझ पर एक आखिरी एहसान कर दीजिए, मुझे मेरी सही जगह भेज दीजिए इस चिराग में। तुम क्या बोल रहे हो जी, अकल हो गए हो क्या? ये रोना धोना देखकर मैं उकता गया हूं, अब रोने का नहीं, मेरे कुछ करने का वक्त है। छोटे भाई चुपचाप उस चिराग में घुस जा, अगर कुछ भी कहा तो शैतान की कसम तेरे इस मुंह बोले भाई और मुंह बोली अम्मी की जिंदगी यहीं खत्म कर दूंगा। अच्छा तो देख, तेरा ये सगा भाई तेरे इस मुंह बोले भाई के साथ क्या करता है। जिन्हों अगर तेरी यही मर्जी है, यही मर्जी है, मैं तुझे हुक्म देता हूं, तुझे हुक्म देता हूं कि अभी इस चिराग में चले जाओ। अलादीन, अलादीन, नहीं जिन्हों, क्यों कह रहे? क्यों ये तूने क्या किया अलादीन? चीनू नाराज था हमसे, पर हम बना लेते ना उसे, वापस क्यों भेज दिया? जिन्हों को महफूज रखने के लिए यही तरीका था। अलादीन रुक, कहां जा रहा है? घर से बाहर चिराग लेकर क्या कर रहे हो? क्योंकि यहां से मुझे ये चिराग छीनने में आसानी होगी। शुक्रिया है जज्बाती दोस्त। क्या वो चिराग कहां गया? जो चीज तू ढूंढ रहा है वो मेरे पास है। अंगूठी का चिन्ह, ये कंबख्त तो बहुत खतरनाक है, इससे बचना होगा। अंगूठी छाप पर चला गया।
अब मामला सिर्फ दो भाइयों के बीच है, मैं और तुम छोटे भाई, तीसरा कोई नहीं।